अनुज की जान को किससे है खतरा? क्या शो में कभी विलेन रहा ये किरदार ही मिलाएगा आद्या और अनुपमा को? देविका कैसे लाई मान को करीब? क्या मीनू कर पाएगी अनुज को ठीक? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। स्टार प्लस की इस फेमस शो में होने वाली है एक अनहोनी। क्या, क्यों और कैसे, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा ने अनुज का ध्यान रखने के लिए मीनू का शुक्रिया अदा किया और फिर मीनू ने बताया कि दरअसल अनुज की याददाश्त नहीं गई है, बल्कि वो छोटी अनु के अलावा कुछ याद करना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ देविका ने अनुज को अनुपमा से नफरत ना करके उसकी हालत समझने के लिए कहा। बाद में उसकी लगाई हुई चिट्स की मदद से अनुज के मन में भी अनु के लिए सिंपैथी आई। लेकिन अनुपमा के गिरने पर उसे संभालने पहुंचे अनुज से जब उसने अंकुश और बरखा के बारे में पूछा, तो वो भागकर पहुंचा एक ऐसी जगह जहां उसकी जान खतरे में आ गई। शो के लेटेस्ट प्रोमो में अनुपमा के सवालों से भागा हुआ अनुज एक इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन बॉक्स के पास पहुंचा है, जहां उसे बार बार आद्या दिख रही है। उसे बचाने के लिए जैसे ही वो वहां पहुंचा, आद्या का अक्स गायब हो गया और अनुज लाइव वायर्स के बीच फंस गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुज के साथ होगा एक बड़ा हादसा, हालांकि इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन फिलहाल नहीं मिली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में वापस आएगा अनुज की जिंदगी से जुड़ा एक जरूरी शख्स। हम बात कर रहे हैं उसकी माँ मालती देवी की। वही मालती देवी जिसकी वजह से अनुपमा और छोटी अनु के बीच दूरी आई थी। अब अपने बेटे अनुज को इतनी बुरी हालत में देखकर वो उठाएगी एक बड़ा और अच्छा कदम और माँ बेटी के बीच की दूरियां खत्म कर देगी। लेकिन क्या और कब करेगी वो ऐसा, ये देखने लायक होने वाला है। मीनू और अनुज के बीच की नजदीकियां देखकर अनुपमा को बंधी है उम्मीद अनुज के ठीक होने की। दरअसल मीनू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और उसने लिया है अनुज को ठीक करने का फैसला। ऐसे में आने वाले एपिसोड्स लेकर आएंगे अनुज और मीनू के बीच मजबूत होते दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मीनू अनुज के मन और जिंदगी में खुशियां लेकर आती है और इससे मान के रिश्ते पर भी क्या फर्क पड़ता है। साथ ही वनराज की चालों से बचना भी बेहद मुश्किल होने वाला है। तो कैसी लगी आपको हमारी अपडेट, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। शो का पेस भले ही इस समय धीमा हो, लेकिन जल्दी ही सीरियल पकड़ेगा रफ्तार और होंगे धमाके पर धमाके। बस करिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि क्लाइमैक्स तो अभी आने को है, जिसके बाद होगा हाई वोल्टेज हंगामा। तो ये थी हमारी आज की अपडेट, कल फिर लेकर आऊंगी एक नई चटपटी खबर। तब तक के लिए इंस्टाफीड के साथ बने रहें और पेज पर जाकर घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए।